हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो सेशन ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। सो कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? होप करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और इस लॉकडाउन का पूरे से पूरा फायदा उठा रहे होंगे। तो क्या आप जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फ्लावर? क्या सबसे जो टॉलेस्ट फ्लावर है दुनिया का, क्या वही लार्जेस्ट फ्लावर है, या जो सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है वही टॉलेस्ट फ्लावर है? और सबसे छोटा फ्लावर कौन सा है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा है? अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता हैं तो आज का वीडियो सेशन बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज आपको ये पता चलने वाली हैं सारी की सारी चीज़ें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो लास्ट वीडियो सेशन में आपने डिस्कस किया था कि पोलिनेशन के कौन कौन से बायोटिक फैक्टर्स थे, उसमें से हमने पहले तीन डिस्कस कर लिए हैं। तो आज जो नंबर फोर हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑर्निथोफिली। तो देखिए वो जो पहले तीन थे उसमें क्या था कि वो नीट के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब क्या होता है कि कुछ जो हाई लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एम्स हो गया, AFMC वगैरह हो गए, या AMU के जो मेडिकल एंट्रेंसेस होते हैं, इसमें थोड़ा सा लेवल हाई किया होता है एग्ज़ाम का, तो आपको क्या करना है, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। सो वही हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइप ऑफ पोलिनेशंस या पोलिनेटिंग एजेंट्स यहाँ पढ़ने वाले हैं और उनके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, राइट। तो उसी के सिलसिले में जो सबसे फोर्थ, या कह सकते हैं फोर्थ नंबर पे जो पोलिनेशन है, दैट इज ऑर्निथोफिली। तो देखिए ऑर्निथो, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑर्निस विच मीन्स बर्ड्स। तो आपने वो मूवी देखी होगी पक्षी राजन वाली, अक्षय कुमार की मूवी, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है उसका, नाम पता नहीं, कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि उसका नाम क्या था। सो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी, एंड द पोलिनेशन थ्रू बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोफिली। बात समझ में आई? सो देखिए आप, क्योंकि बर्ड्स पोलिनेटेड फ्लावर हैं, तो बड़े सीधी सी बात है, फ्लावर को बड़ा होना पड़ेगा। अब ये जो फ्लावर्स होते हैं यूजुअली बहुत ज़्यादा शोई, कहने का मतलब कि जो इनका पेटल्स होता है, करोला पार्ट होता है, ये काफ़ी ब्राइट कलर्ड होता है। उसके बाद जो ये फ्लावर्स होते हैं यूजुअली बहुत ही ज़्यादा स्टिफ, हार्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। सो क्योंकि जिसकी वजह से अगर बर्ड वहाँ पे आ रहा है तो फ्लावर इजीली ब्रेक ना हो। उसके बाद ये लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद किसी तरह का सेंट ये प्रोड्यूस नहीं करते, अनसेंटेड फ्लावर्स होते हैं, ये कुछ चीज़ें आप याद रख लें। उसके बाद जो फ्लावर्स का शेप होता है ये यूजुअली ट्यूबुलर या फनल शेप्ड होता है, तो कुछ इस तरह का आप कह सकते हैं ये फ्लावर्स होते हैं, इस तरह के फ्लावर्स होते हैं ट्यूबुलर या फनल शेप्ड, राइट। सो टफ टेक्सचर होने के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होते हैं, राइट। अब देखिए जैसे बर्ड्स कौन कौन से, क्रो हो गए, पैरट, बुलबुल, ऑलमोस्ट हर एक बर्ड पोलिनेशन कर ही लेता है, लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है पोलिनेशन के मामले में, दैट इज हमिंग बर्ड। तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमिंग बर्ड होता है इसको सुक्रोज बहुत पसंद होता है। सो जिन प्लांट्स में या जिन फ्लावर्स में यूजुअली सुक्रोज का कंटेंट ज़्यादा होता है नेक्टर में, ये ज़्यादा उसको पोलिनेट करते हैं। तो एग्जांपल्स देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है कैलेस्टेमोन। सो कैलेस्टेमोन को बॉटल ब्रश ट्री भी कहा जाता है। सो आप क्या करिएगा, इस ट्री का फोटोग्राफ देखिएगा, समझ जाएंगे कि इसको बॉटल ब्रश क्यों कहा जाता है। और बॉटल ब्रश होने के साथ ये जो पर्टिकुलर फ्लावर है ये मेरटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो मेरटेसी फैमिली का एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जो फ्लावर्स इस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनमें यूजुअली सेंट प्रोड्यूस होता है, खुशबूदार होते हैं, तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। उसके बाद बिगोनिया हो गया, अगेव हो गया। उसके बाद टाइप नंबर जो 5 है पोलिनेशन की, दैट इज स्काइरोपटेरोफिली। सो इट इज़ द पोलिनेशन बाय बैट्स। अब इसके फ्लोरल करेक्टर्स क्या होते हैं कि इसका जो यूजुअली करोला पार्ट रहता है, यूजुअली ये कैसा रहता है, स्वीट रहता है और साथ में फ्लैशी होता है, फ्लैशी होने के साथ, लेकिन जो फ्लावर्स होते हैं ये डल कलर्ड होते हैं। द रीज़न बिंग दैट, क्योंकि ये बैट्स रात के समय ज़्यादा फ्लाई करते हैं, तो इसलिए इतना फ्लावर्स को अट्रैक्टिव होने का ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई? फ्लोरल पार्ट्स यूजुअली फ्लैशी एंड स्वीट। और इसमें एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, काइगेला, पिनेटा हो गया, बोहेनिया हो गया एंड कदम। तो ये आप, अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो सारे प्लांट्स हैं ना, इन सबको इंटरनेट पे सर्च करना है और इनकी फोटोग्राफ्स देखनी है,
ताकि आप इजीली इस चीज को समझ पाए। उसके बाद जो सिक्स टाइप का पॉलिनेशन था दैट वाज द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। सो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी तरह का कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट काम में नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे पॉलिनेशन कैसे हो रही है कि डेलिब्रेटली एक पोलन ग्रेन को अपनी मर्जी से उठा के जिस स्पीशीज के साथ हम उसको पॉलिनेट करवाना चाहें हम करवा सकते हैं। ये इसको ईमैस्कुलेशन भी कहा जाता है। द रीजन इज दैट के हम ये जो ईमैस्कुलेशन टॉपिक है ये इंडिविजुअल तौर पे डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो अभी जस्ट आप याद रख लीजिए। सो द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज सिंपली बाय ह्यूमंस। तो आपने मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा पी प्लांट के साथ, जिसमें उन्होंने क्या किया था, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाया था। तो ये उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, पी प्लांट, राइट। उसके बाद टाइप नंबर 7 मलेकोफिली, इट इज द पॉलिनेशन बाय स्लग्स एंड स्नेल्स। तो ये यूजुअली वाटर प्लांट्स में होती है ज्यादा, लेमना आप एग्जांपल के तौर पे याद रख सकते हैं। उसके बाद द पॉलिनेशन बाय आंट्स इज नोन एज मेरमेकोफिली। तो क्योंकि आंट्स में क्या था कि अब आप जैसे आंट्स हो गए बीटल्स, तो फ्लोरल करेक्टर्स के तौर पे आप इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लोर की करेक्टर्स लिख सकते हैं, राइट। तो एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अकेशिया हो गया, किकर हो गया, बबूल का प्लांट हो गया, वैसे ही कैंथेरोफिली इट इज द पॉलिनेशन बाय बीटल्स, राइट। अब कभी कभी एग्जामिनेशन में कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस ज़्यादातर वहाँ से आते हैं जिस चीज़ तक आपका ब्रेन पहुँच नहीं पाता है यूजुअली। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ कि लार्ज एनिमल्स में पॉलिनेशन कैसे होता होगा, सो लार्ज एनिमल्स में देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल मैं वेरी फेमस एग्जाम्पल लेम्यूर्स, तो इनका भी आप क्या करना, इंटरनेट पर फोटोग्राफ्स देखिएगा। सो दीज आर द प्राइमेट्स। उसके बाद अर्बोरियल्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, सो इनमें भी क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ये सारे एनिमल्स भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। रोडेंट्स भी हो गए, सो ये अर्बोरियल्स कौन से होते हैं, जो पेड़ों पे चढ़ सकते हैं। रोडेंट्स कौन से हो गए, जिनके ऊपर और नीचे दोनों साइड टीथ होते हैं, यूजुअली जिनमें कटिंग का प्रोसेस नहीं हो गया, जैसे रैबिट्स वगैरह हो गए। उसके बाद रेप्टाइल्स में जैको लिजर्ड हो गई और गार्डन लिजर्ड, तो ये सारे भी क्या करते हैं, रेप्टाइल्स भी देखिए क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन कर रहे हैं। सो हमने देखी यहाँ पे कितने तरह के पॉलिनेशन पड़े हैं। तो हमने, अगर मैं बात करूँ बड़े ही डिटेल्स में, तो बुक्स में आपको अगर एनसीईआरटी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें नॉलेज को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, राइट। सो ये थी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एग्जामिनेशन में क्या होता है, कुछ टिपिकल सवाल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, टिपिकल सवाल पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं शुरू में, जैसे मैंने बताया था कि सबसे लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है। सो लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, सो बड़े सारे बच्चों को पता ही है कि लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, रफलेशिया, और इसका स्पीशीज है अर्नोल्डी, राइट। लेकिन आपको पता है लार्जेस्ट और टॉलेस्ट फ्लावर में डिफरेंस है, सो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। रफलेशिया अर्नोल्डी जो है, इट इज ए पैरासाइट। ये पैरासाइट होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होता है ये, यूजुअली ऑरेंज कलर का फ्लावर है और इस पे व्हाइट कलर के डॉट्स होते हैं। आप इंटरनेट पे डेफिनेटली देखिएगा, बहुत ही प्यारा फ्लावर होता है, कुछ इस तरह का होता है, बीच में से हॉलो होता है और इसके बीच में स्पाइक लाइक एक स्ट्रक्चर होता है गोल सा, और बाहर से कुछ इस तरह का ये फ्लावर होता है, राइट। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फ्लावर को आप डेफिनेटली देखना, बहुत ब्यूटीफुल है। टॉलेस्ट फ्लावर जो है ये है एमोरफोफेलस टाइटेनम, राइट। सो नीट में, बड़े बड़े एग्जाम में आपको ये जरूर आ सकता है। तो ये टॉलेस्ट फ्लावर है, ये कुछ इस तरह का दिखता है, देखिए इस तरह का इसका सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और साइड पे इस तरह का इसका बेसमेंट रहता है। तो इसको भी आप डेफिनेटली देखिएगा, फिर मुझे बताना कि सर ने जो बताया वो सही था या गलत था। उसके बाद
जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्लॉर है, हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, सबसे स्मॉलेस्ट फ्लॉर है वुल्फिया। कौन सा है? वुल्फिया। सो ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स आप याद रख लीजिए, बड़े बड़े एग्जामिनेशन में आपको ये डेफिनेटली आ सकते हैं, राइट। सो अब हमारा जो ये पोलिनेशन का, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन का जो टॉपिक था वो आज खत्म हुआ है। सो क्रॉस पोलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, ये पोलिनेशन जो हमने सारा पढ़ा था उसकी एक बार समरी करते हैं, ताकि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। देखिए इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना बनता तो है, चैनल का भी सब्सक्राइब करना बनता है। चलिए देखिए, पोलिनेशन हमने स्टार्ट किया था, राइट। सो पोलिनेशन हमने स्टार्ट किया था तो हमने बताया था पोलिनेशन कितने तरह का होता था, दो तरह का, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, राइट। सो मैं यहाँ पे डायग्राम के जरिए ही समझाता हूँ आपको। तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता था, ये दो तरह की होती थी, फर्स्ट वाज द ऑटोगैमी एंड सेकंड वाज द गेटोनोगैमी, राइट। सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ऑटोगैमी, द पोलन ग्रेन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ गेटोनोगैमी, द पोलन ग्रेन्स वर ट्रांसफर्ड, द पोलन ग्रेन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बट ऑफ सेम प्लांट स्पीशीज। सो एक चीज में याद रखिए कि देखिए, क्योंकि ये सेम प्लांट पे हो रहा था, इसलिए मैंने बताया था कि गेटोनोगैमी क्या है। जेनेटिकली इट इज ए सेल्फ पोलिनेशन, बट फंक्शनली इट इज क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनको इस स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए हमें पोलिनेटिंग एजेंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो पोलिनेटिंग एजेंट्स क्रॉस पोलिनेशन में चाहिए होते हैं, राइट। उसके बाद क्रॉस पोलिनेशन में हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, फर्स्ट वॉज द एलोगैमी एंड द अदर वॉज जीनोगैमी। सो दोनों में क्या अंतर था, एलोगैमी में क्या होता था, हमारे पास दो प्लांट्स होते थे और एग्जैक्टली दोनों सेम होते थे, बस एक प्लांट से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट की तरफ ट्रेवल करता था, सेम स्पीशीज था, जेनेटिक मेकअप भी सेम था, लेकिन प्लांट क्या थे, अलग अलग थे। लेकिन इन केस ऑफ जीनोगैमी क्या था, हमारे पास दो अलग अलग प्लांट्स होते थे, इनका स्पीशीज तो सेम होता था लेकिन जो जेनेटिक मेकअप था, जेनेटिकली दे वर डिफरेंट, बोथ प्लांट्स वर डिफरेंट, इसीलिए जीनोगैमी को कहा जाता था ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें एंथर को इस सॉरी पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए किसी एजेंसी की रिक्वायरमेंट थी, सो फॉर दैट वी रिक्वायर्ड क्रॉस पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जो हमने काफ़ी डिटेल्स में पढ़े, उनके हमने फ्लोरल करेक्टर्स भी पढ़े। इसी के साथ करेक्टर्स के साथ हमने ऐसी भी चीज़ें पढ़ी कि प्लांट को क्यों सेल्फ पॉलिनेशन करना पड़ता है, क्यों क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ता है। ये था हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, या कह सकते हैं पॉलिनेशन का एक कंप्लीट टॉपिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन के बाद जब पोलन स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है, सो लैंड करने के बाद क्या स्टिग्मा उसको एलो करेगा वहां से पोलन ट्यूब बनाने के लिए, क्या स्टिग्मा उस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने देगा, सो उसको कहा जाएगा पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा इस चैप्टर का, आप उसको जरूर सुनिएगा और जरूर उसको नोट डाउन करिएगा। सो तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और स्टे हेल्दी स्टे सेफ, और मिलते हैं आप अगले वीडियो सेशन में विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। थैंक यू सो मच।